हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अन अकेडमी इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन और स्वागत है आपका इंडिया के नंबर वन करंट अफेयर्स चैनल करंट अफेयर्स वन वन पर जहां पर एक बार फिर मैं हाजिर हूं डियर फ्रेंड हमारी जो करंट अफेयर्स एनालिटिक्स की क्लासेज है एट पी की उनके साथ और फिर से करंट अफेयर्स से जुड़े हुए किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे पर आपके साथ डिस्कशन करेंगे एक बढ़िया डिस्कशन एक नए मुद्दे के बारे में ये मुद्दा क्या है इससे जुड़ी हुई समस्या क्या है इसका बैकग्राउंड क्या है और इसका फ्यूचर इम्पैक्ट क्या होगा इन सारी बातों के बारे में एक बढ़िया डिस्कशन करेंगे और निश्चित रूप से एक नॉलेजेबल सेशन आपके लिए आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं जिसमें इसराइल का नाम आया है तो पिछले कुछ समय से डियर फ्रेंड हमने आपके साथ इस बात को हमेशा डिस्कस किया कि अमेरिका में प्रेजिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप रहे जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे उनके दौरान उनके शासनकाल के दौरान किसी देश को यदि सबसे ज़्यादा फायदा हुआ यूएस से भी अगर ज़्यादा फायदा हुआ तो इसराइल को फ़ायदा हुआ हमने इस तरह के बहुत सारे एग्रीमेंट आपके साथ डिस्कस किए कि किस तरह से अरब देशों के साथ इसराइल के जो संबंध है लगातार इंप्रूव हुए यूएई ने अपने संबंध स्थापित किए मोराको की हमने आपके साथ बात की वेस्टर्न सहारा रीजन की हमने बात की और आज फिर से एक ऐसे देश एक मुस्लिम मेजोरिटी देश कोसोवो की बात करने जा रहा हूं जिन्होंने इसराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक संबंधों को स्थापित करने का निर्णय लिया है इन्होंने निर्णय लिया है कि वो अपनी एक एम्बेसी बनाएंगे जेरूसलम में जो कि अभी तक एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी रही थी इस्लामिक वर्ल्ड के लिए जहां पे कुछ इस्लामिक रिलीजियस प्लेसेस लोकेटेड थे तो देखिए पूरा मामला क्या है और किस तरह से इस्लामिक वर्ल्ड की कुछ कंट्रीज़ ने टर्की ने इसका विरोध किया है इसका अपोज किया है और बोला है कि कहीं ना कहीं ये मुस्लिम जो सॉलिडरिटी है उसे वर्ल्ड लेवल पे कमजोर करेगा इंटरनेशनल लॉस का ये वॉलेशन है तो पूरा मुद्दा क्या है उससे जुड़ी हुई सारी बातों को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डियर फ्रेंड तो ऑल दीज थिंग्स वन बाई वन आई विल डिस्कस विद यू पीपल और एक बढ़िया सेशन आपके लिए साबित होने वाला है तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं इन फोर्थ चैनल की जिनके नाम है जोग्रफी वन वन करंट अफेयर्स वन ओवर एनसीआर और मैप वन ओन जिसको अब हम यू पी एस सी वन ओन के नाम से जान रहे हैं सो so ये फोर चैनल्स जिनके माध्यम से लगातार हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और यूपीएससी एग्जाम की अलग अलग जो डायमेंशन है उन्हें कवर करने का प्रयास कर रहे हैं तो अगर अभी तक आप लोगों ने इन फोर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दीज फोर चैनल्स और बात करते हैं अन अकेडमी ऐप के डी एफ एन अन अकेडमी ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं अपने स्मार्टफोन पे तो डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे क्विजेस मिलती हैं स्पेशल क्लासेस आपको दी जाती हैं जो कि एप्सलूटली फ्री हैं प्लस प्लस कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं जिन्हें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप इन्हें सब्सक्राइब करते हैं और मेरा कोड यूज करते हैं दैट इज पी एस एस टेन तो आपको दस प्रतिशत का यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है तो प्लीज अवेल दैस टेन परसेंट डिस्काउंट एंड सब्सक्राइब दिज कोर्सिस विच कैन प्रोवाइड एन एज टू योर प्रिपरेशन आपके प्रिपरेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है तो देखिए सभी को जिन्होंने क्लास को ज्वाइन किया डियर फ्रेंड्स सभी का बहुत बहुत स्वागत है सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स इट सो प्रीति जैन आकाश सभी को हरि ओम सभी को देखिए गुड इवनिंग और देखिए एक अच्छा सेशन हम हाँ आपके साथ करेंगे और हम बात करेंगे कि इसराइल को सब डील क्या है तो इसके पहले भी मैंने इस तरह के इश्यूज आपके साथ कवर किए हैं और किस तरह से अलग अलग देश इजराइल के साथ अपने डिप्लोमैटिक रिलेशन को स्थापित कर रहे हैं और किस तरह से ये जो सारे एग्रीमेंट्स हो रहे हैं सारी जो डील हो रही है उसमें यूएस की एक भूमिका रही है कुछ पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि किस तरह से फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सर्बिया और कोसोवो के बीच में एक तरह का समझौता कराया था और उस समझौते का भी जो सबसे बड़ा फायदा होने वाला था वो सर्बिया को नहीं होने वाला था कोसोवो को नहीं होने वाला था जराय को होने वाला था क्योंकि दोनों देशों ने एग्री किया था कि वो जेरूसलम में अपनी एम्बेसी को स्थापित करेंगे अभी इसराइल की जो एम्बे इसराइल की जो राजधानी वो तेल अबीब है जेरूसलम का जो स्टेटस रहा है डियर फ्रेंड इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक डिस्प्यूटेड स्टेट की तरह से रहा है डिस्प्यूटेड एरिया की तरह से रहा है यहां पर अलग अलग देश अगर अपनी एम्बेसी स्थापित करते हैं तो कहीं ना कहीं वो जेरूसलम पर इसराइल की जो संप्रभुता है उसे एक्सेप्ट करते हैं और इस बात को लेकर इस्लामिक वर्ल्ड में एक तरह से विवाद की स्थिति है एक तरह से डिवीजन है इस बात को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा तो देखिए दिस इज मी दैट इज पंकज शुक्ला योर टीचर एंड योर मेंटर सिंस लास्ट मोर देन टेन ईयर और निश्चित रूप से डियर फ्रेंड मेरे नॉलेज और मेरे एक्सपीरियंस से आपको फायदा होगा हो भी रहा होगा और फ्यूचर में मैं प्रयास करूंगा कि आपका जो गोल है आपका जो टारगेट है उसे अचीव करने में मैं आपकी मदद कर पाऊं और आपकी जो जर्नी है उसे एक सक्सेसफुल जर्नी में हम कन्वर्ट कर पाएँ तो इन सारी बातों के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को कि क्या हमारा स्कोप रहेगा इस लेक्चर में किन चीज़ों को मैं आपके साथ कवर करूँगा ये सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डियर फ्रेंड तो बात करते हैं आज के लेक्चर के बारे में कि क्यों ये मुद्दा न्यूज़ में है क्या है ये कुराइल डील ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्या इफेक्ट पड़ने वाला है वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला पैलेस्तीन की जो स्ट्रगल है जिसको काफ़ी देशों का समर्थन भी प्राप्त है इमोशनल तौर पे साइकोलॉजिकल तौर पे हालांकि इससे अभी तक स्टेट का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है तो इन सारी बातों को एक एक करके हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और इससे जुड़ी हुई एक बेहतर समझ बनाने का प्रयास करेंगे डियर फ्रेंड तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी आपका नॉलेज बढ़ेगा देखिए कुछ ऐसे इशू हैं जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के मुद्दे हैं बट इन मुद्दों से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहे हैं तो देखिए इसराइल और कोसो ने अपने डिप्लोमैटिक रिलेशन स्थापित करने की घोषणा की है अंडर ए यूएस ब्रोकर डील दैट इंक्लूड्स अ प्लेज बाई मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री सो देखिए मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री करके रिफर किया जा रहा है किसे कुसुओ को कि कुसुवों ने एग्री किया है कि जेरूसलम में वो अपनी एम्बेसी स्थापित करेंगे जिसको लेके मुस्लिम वर्ल्ड अभी तक एक क्लेम करते रहे थे कि ये एक डिस्प्यूटेड साइट है इस पर इसराइल की संप्रभुता को मानने से मना कर रहे थे बट ऐसे किसी मुस्लिम मेजोरिटी देश के द्वारा सुबह के द्वारा यहां पर अपनी एंबेसी स्थापित करना कहीं ना कहीं एक फैक्टो रिक्निशन है कि यह जो एरिया है इसराइल के कंट्रोल में तो यह एक नई न्यूज सामने आ रही है और जिस पर देखिए आगे और भी बहुत सारे इश्यूज और भी बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है डियर फ्रेंड तो यह इसराइल की लोकेशन है आप देख सकते हैं हमने इसके पहले भी इसराइल के बारे में आपके साथ डिस्कस किया कि किस तरह से इस ज्यूश स्टेट का स्टेप बाय स्टेप इस्टेप बाई स्टेप इसका जो इवोल्यूशन हुआ किस तरह से 1947 में यूनाइटेड नेशन ने एक पार्टीशन प्लान बनाया और किस तरह से उन्होंने बताया कि ये कुछ जो एरिया रहेगा ये एरिया रहेगा जूस स्टेट का इस तरह का एक प्लान दिया था किसने यूनाइटेड नेशन ने और कुछ एरिया रहेगा जो अरब एरिया रहेगा बट कहीं ना कहीं जो नेबरिंग अरब कंट्रीज हैं उन्होंने अटैक किया किस पे इसराइल पे इसराइल ने एक काउंटर अटैक किया जिसकी वजह से एक नया मैप सामने आया जो हमने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया है कि किस तरह से इसराइल ने अपने अस्तित्व को बनाया एक ऐसे एरिया में जहाँ पर चारों तरफ मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज हैं अपने लिए एरिया आउट किया और ये जो इशू था ये हमने आपके साथ बार बार डिस्कस किया आप प्लेलिस्ट में देखेंगे कि इसराइल का कैसे अस्तित्व आया कोसोवो की अगर हम बात करें तो एक बैकग्राउंड में आपको देना चाहूंगा यूरोपियन हिस्ट्री का कि फोर्टीन सेंचुरी में फ्रेंड एक बड़ा एम्पायर हुआ करता था इसको सर्बियन एम्पायर बोला जाता था सो देर यूज टू बी एन एम्पायर नोन सर्बियन एम्पायर इन फोर्टीन सेंचुरी और ये जो सर्बियन एम्पायर था फ्रेंड इस पर अटैक किया एक दूसरे एम्पायर ने जिसको ऑटोमन बोला गया जो कि एक मुस्लिम एम्पायर था और वो जो अटैक किया ऑटोमन ने सर्बियन के कुछ क्षेत्र जिसमें कोसोवो भी शामिल था उस पर कब्जा कर लिया और कोसोवो की जो डेमोग्राफी थी पहले सर्बियन एम्पायर एक क्रिश्चियन डोमिनेटेड एरिया हुआ करता था और कोसोवो जो क्षेत्र था जिस पर कब्जा हुआ किसका ऑटोमन एम्पायर का उस क्षेत्र की जो पॉपुलेशन है उसमें काफी सारे लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो गए मतलब यहाँ की डेमोग्राफी इस्लामिक डोमिनेटेड हो गई और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जब ऑटोमन एम्पायर काफी वीक हो गया था जर्जर हो गया था चरमरा गया था तो सर्बिया ने इस क्षेत्र पर फिर से अपना कब्जा कर लिया कोसोवो पर यह कहते हुए कि यह हमारा एरिया है बट यह विवाद बना रहा किसके बीच में सर्बिया और कोसोवो के बीच में कुछ लोगों का मानना रहा कि यह सर्बिया का पार्ट है कुछ लोगों का मानना रहा कि ये एक स्वायत्त देश है क्योंकि तो थ्रू आउट मेडिवल इंडिया ये ऑटोमन एम्पायर का क्षेत्र रहा था इनका कल्चर अलग हो गया था इनकी पहचान अलग हो गई थी और इसी तरह के विवाद से होते होते 2008 में क्या हुआ डियर फ्रेंड कोसोवो ने खुद को कोसोवो ने खुद को एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दिया कब दो में ये जो यूनिलैटरल डिक्लेरेशन है किसका कोसोवो का जिसमें कोसोवो खुद को अलग कर रहे हैं किससे सर्बिया से और बोल रहे हैं कि हम सर्बिया से अलग हैं इस यूनिलैटरल जो इनकी इंडिपेंडेंस है इससे विश्व के काफी सारे लोग देशों ने माना और काफी सारे देशों ने नहीं माना तो देखिए सौ से ज्यादा स्टेट ने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया जिसमें यूएस भी शामिल है इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है बट चाइना रशिया कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने इसे अभी भी सर्बिया का ही पार्ट माना इसे इंडिपेंडेंट पार्ट माने से रिजेक्ट uh, कर दिया तो देखिए ये जो बात है कि कोसोवो की जो लेजिटिमेसी का एक विषय है इशू है तो बोले कि मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज ज़्यादातर जो वेस्टर्न कंट्रीज है दे हैव रिकॉग्नाइज कोसोवो उन्होंने कोसोवो को रिकॉग्नाइज किया है बट सर्बिया के जो की एल आई हैं चाइना और कौन रशिया इन्होंने अभी भी इसे एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह से एक्सेप्ट नहीं किया और यूनाइटेड नेशन में इस बात को लेके एक विवाद की स्थिति बनी रही कि कोसोवो का स्टेटस क्या है रिसेंटली क्या हुआ फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल के दौरान सर्बिया और कोसोवो के बीच में एक समझौता हुआ और इस समझौते को मीडिएट किया किसने यूएस ने और इस समझौते के तहत दोनों देश एग्री हुए कि दोनों देश इसराइल को क्या करेंगे रिकॉग्निशन देंगे दोनों देश वहां पे क्या करेंगे एम्बेसी बनाएंगे जेरूसलम में जो कि अभी तक एक डिस्प्यूटेड साइट रही थी और उसी कड़ी में एक समझौता हो रहा है जिस वो हमारा आज का टॉपिक है तो ये तो देखिए मैंने आपके साथ एक बैकग्राउंड डिस्कस किया मेन मुद्दा हमारा ये है कि कोसोवो और इसराइल के बीच में ये जो एग्रीमेंट हो रहा है दिस एग्रीमेंट इज वॉट तो एक छोटा सा इतिहास मैंने बताया सर्बिया और कोसोवो के कंफ्लिक्ट का कि किस तरह से एक क्रिश्चियन डोमिनेटेड एम्पायर था जिस पर ऑटोमन एम्पायर ने अटैक किया उसके एक भाग की डेमोग्राफी जिसे कुसोवो में बोल रहा हूँ उसे चेंज किया और कुसोवो एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया बना और हमेशा अपनी पहचान के लिए अपने अस्तित्व के लिए एक कन्फ्लिक्ट बना रहा कुसोवो और सर्बिया के बीच में और फाइनली दो में यूनिलैटली अपने आप ही कुसोवो ने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया जिससे यूएस ने रिकोगनाइज किया ये विवाद की स्थिति बनी रही और इस विवाद को सुलझाने का प्रयास किया यूएस ने रिसेंटली तीन चार महीने पहले एक डील कराई सर्बिया और कोसोवो के बीच में बट उस डील का फायदा कोसोवो को नहीं हो रहा है उस डील का फायदा सर्बिया को नहीं हो रहा है उस डील का फायदा यूएस को नहीं हो रहा है बट उस डील का फायदा किसे हो रहा है इसराइल को रहा है देखिए ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है कि कुछ लोन वगैरह दिए जाएंगे सर्बिया को कोसोवो को यूएस के द्वारा बट कुछ कंडीशन हैं ये कंडीशंस यूएस ने लगाई कि एक इंपॉर्टेंट कंडीशंस है कि आप इसराइल के साथ अपने डिप्लोमैटिक संबंध क्या करें स्थापित करें तो ये डिप्लोमैटिक संबंध अगर स्थापित होते हैं तो उसका क्या फर्क पड़ जाएगा क्या ऐसा हो जाएगा तो बोले कि देखिए इसराइल ने रिक्वेस्ट किया है किसे कोसोवो को कि आप इस्टेब्लिश करें अपनी एम्बेसी कहाँ पर जेरूसलम में जेरूसलम जो कि अभी तक एक डिस्प्यूटेड प्लेस रहा है इन द आइज ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड अभी तक केवल दो देश बोला जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स और ग्वाटेमाला इन्होंने ही अपनी एम्बेसी स्थापित किए कहाँ पे जेरूसलम में अदरवाइज जो मैक्सिमम देश जो इसराइल को रिकग्नाइज करते हैं उन्होंने अपनी एम्बेसीज उन्होंने अपनी एम्बेसी तेल अबीब में बनाई है जो कि इसराइल की अभी तक राजधानी रही है बट जेरूसलम में इस तरह से एम्बेसी को बनाना कहीं ना कहीं ये डी फैक्टो ऑफ है कि जेरूसलम जिसको अभी तक अरब वर्ल्ड में इस्लामिक वर्ल्ड में काफ़ी सारे देश एक डिस्प्यूटेड एरिया समझ रहे थे वो अब इसराइल के स्वामित्व वाला क्षेत्र है इस बात का रिकग्निशन मिल रहा है जब कोई मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री लाइक कोसोवो एग्री कर रहे हैं कि वो यहां पे अपनी एम्बेसी बनाएंगे तो देखिए ट्रम्प अनाउंस दैट टू कंट्रीज टाइज सितंबर एज साइड डील टू तो एन इकोनॉमिक एग्रीमेंट सो हमने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि सर्बिया और कोसोवो के बीच में मीडिएट किया किसने डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो कि फॉर्मर प्रेजिडेंट है यूएस के कि कोसोवो और सर्बिया को अपने डिफरेंसेस को अभी टाइम बिंग के लिए हटाना चाहिए एक समझौता कराया किस वजह से कि कुछ इकोनॉमिक एडवांटेज मिलेंगे किसे कोसूबों को और किसे सर्बिया को बट इन्हें अपनी टाइस इन्हें अपनी टाइस इसराइल के साथ क्या करनी पड़ेगी बनानी पड़ेगी तो सर्बिया को कुसुबों को, को तो फायदा होगा इकोनॉमिक सपोर्ट के रूप में बट जो बड़ा फ़ायदा होगा वो यहां पे मिलता हुआ दिख रहा है किसे इसराइल को क्योंकि तो ये डील करा रहे हैं कौन यूएस यूएस मीडिएट कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ होम इसराइल और ये फायदा इकोनॉमिक टर्म में तो मिलेगा सर्बिया और कोसोवो को बट डिप्लोमेटिक टर्म में एक बड़ा फायदा होता हुआ दिख रहा है किसे इसराइल को कि यहां पे ये दोनों देश अगर अपनी एम्बेसी बनाते हैं तो बोले कि यूएस ने एक और बहुत सारी चीज़ें की कि एक डिप्लोमेटिक रिलेशन बने इसराइल और मुरैको के बीच में इसराइल और सूडान के बीच में इसराइल और बहरीन के बीच में इनमें से बहुत सारे मुद्दे हम अपनी इस एट पी की क्लास में आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से इस तरह की डील्स हुई यूएस के मीडिएशन की वजह से और अरब वर्ल्ड के बहुत सारे देश उन्होंने अपने संबंध स्थापित किए किसके साथ इसराइल के साथ तो इसके जस्ट कुछ टाइम पहले हमने आपके साथ अब्राहम अकॉर्ड की बात की थी और ये जो अब्राहम अकॉर्ड था डियर फ्रेंड ये मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ इसके थर्ड ईयर फ्रेंड यूएई और बहरीन यूएई और बहरीन ये अपनी एम्बेसीटैब्लिश करेंगे कहां पे इसराइल में और बहुत सारे मुद्दों पर ये साथ काम करने के लिए एग्री हुए तो जिस तरह से इस्लामिक वर्ल्ड में स्थिति थी इसराइल की पहले इसराइल का जो ज्यूस स्टेट है उसके अस्तित्व को मानने से मना करते रहे इस्लामिक वर्ल्ड के बहुत सारे देश बट इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर जो एक तरह का कन्फ्लिक्ट हमने आपके साथ डिस्कस किया जब मैंने सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच के कन्फ्लिक्ट की बात आपसे की थी कि ईरान के वेस्ट एशिया में बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए ये सारे देश इन्हें लगता है कि इसराइल बैलेंस कर सकता है किसे ईरान को ईरान से जो थ्रेट है इन सुन्नी डोमिनेटेड स्टेट्स को इन्हें ऐसा लगता है कि एक काउंटर फोर्स की तरह से काम कर सकते हैं कौन इसराइल इस वजह से ये देश इसराइल के करीब आते हुए दिख रहे हैं तो इसके लिए देखिए जो मेन रीजन यहां पे बताया जा रहा है वो मेन रीजन यही बता रहा है कि ब्रिंगिंग इसराइल यू एंड बहरीन टुगेदर रिफ्लेक्ट द शेयर्ड कंसर्न सो यू में भी यूएस के बेस हैं बहरीन के साथ भी क्लोजिंग है यूएस की यूएस को लगता है कि इन देशों की सुरक्षा यूएस की प्रायोरिटी है और इनको सुरक्षित रह सकते हैं यूएस किसके सपोर्ट से इसराइल के सपोर्ट से तो ये बता रहे हैं कि ईरान का जो इंफ्लुएंस बढ़ रहा है कहाँ पर इस क्षेत्र में ये कहीं कही ना कहीं जिस तरह से ईरान कोशिश कर रहा है एक तरह से बैलिस्टिक मिसाइल्स को डेवलप करने में वेपनाइज करने में खुद को यूरेनियम इन्वेस्टमेंट करने में ईरान की जो जिद है कि उसके पास वेस्ट एशिया में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की क्षमता डेवलप करेगा ही करेगा कई ना कहीं डी एफ इन देशों को लगता है कि इनके हित उससे क्या हो सकते हैं प्रभावित हो सकते हैं इसलिए ये देश ईरान को काउंटर बैलेंस करने के लिए इसराइल के पास आते हुए दिख रहे हैं तो देखिए ये पूरा जो मैटर है किस तरह से वर्ल्ड पॉलिटिक्स को अफेक्ट कर सकता है डी एफ यहां पर बताया जा रहा है तो ये जो डील हुई है कोसोवो और इसराइल के बीच में ये एक रिफ्ट बढ़ाएगी किसके बीच में इसराइल और सर्बिया के बीच में ये एक रिफ्ट को बढ़ा सकती है टर्की ने इस डील को क्रिटिसाइज़ किया है कि जेरूशलम जिसका स्टेटस एक डिस्प्यूटेड साइट कर रहा है किस तरह से यहाँ पे लोग अपनी एम्बेसीज बना रहे हैं कहीं ना कहीं ये इंटरनेशनल लॉस का क्या है वोलेशन है कहीं ना कहीं ये पैलेस्तीन का जो पूरा मूवमेंट है उसे वीक करेगा जिसको इस्लामिक वर्ल्ड के देश लगातार इस्लामिक वर्ल्ड के देश लगातार सपोर्ट करते आए हैं मोरल बेसिस पे इथिकल बेसिस पे रिय इस्लामिक नेशनलिज्म के बेसिस पे उस मूवमेंट को ये क्या करेगा वीक करेगा और यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसराइल की ये जो एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है इस्लामिक देशों में कहीं ना कहीं इसराइल की सावरिंटी को और स्ट्रेंथन करेगी इस क्षेत्र में जहाँ पे बाकी सारे देश जो मुस्लिम डोमिनेटेड देश हैं इसके घिरा हुआ है कौन इसराइल तो इस्लामिक वर्ल्ड में जो इंटरनल कंफ्लिक्ट है उसका फायदा मिलता हुआ दिख रहा है किसे इसराइल को और ये जो रिकोगशन एक के बाद एक देश देते जा रहे हैं हमने सूडान की बात की हमने मोराको की बात की हमने वेस्टर्न सारा रीजन की बात की यूएई की बात की बहरीन की बात की कोसोवो की आज बात कर रहे हैं तो देखिए ये लगातार जो रिकग्निशन मिल रहा है ये निश्चित रूप से यहां की जो जियो है उसे चेंज करेगा तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी डियर फ्रेंड कि किस तरह से जो डील है ये इसराइल के स्टेटस को बढ़ा रहा है उसके अस्तित्व को जेरूसलम के अस्तित्व को इस्लामिक वर्ल्ड के जो देश हैं रिकग्नाइज कर रहे हैं और ये जो डिस्प्यूटेड एरिया वाली बात थी ये कहीं ना कहीं धुंधली होती हुई दिख रही है हालांकि कुछ इस्लामिक देश जिन्हें लीड कर रहा है टर्की ऐसी डील को मानने से मना कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड में डिवीजन लाएगा पैलेस्तीन के मूवमेंट को कमजोर करेगा तो आई होप की चीजें आपको समझ में आ रही होंगी आपने इसे समझा होगा थैंक यू टू ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड फॉर ज्वाइनिंग मी फॉर स्टेइंग विथ मी इन दिस क्लास ऑफ एट पी एम अगेन आई विल कम अप सम न्यू टॉपिक टू गिव यू बेटर अंडरस्टैंडिंग गुड नाइट टू ऑल डियर फ्रेंड थैंक यू